ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव। आज मैं आपको ग्रहों की बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। हर ग्रह एक पर्टिकुलर एज के लोगों से जुड़ा हुआ है और मेल या फीमेल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। जब हम आपकी कुंडली की बात करते हैं लग्न की, जब हम लग्न को देखेंगे तो हम बता देंगे ये वाला ग्रह आपका लग्नेश, तो इसका मतलब आपकी एनर्जीज ऐसी होंगी। आप इस एज से जुड़े हुए व्यक्तित्व से जुड़े हुए होंगे, मेल या फीमेल एनर्जी होंगी। मेल एनर्जीज हार्ड होती हैं, फीमेल एनर्जीज सॉफ्ट हैं। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो आपके लग्नेश पे डिपेंड करेगा। आपकी चंद्र राशि कौन सी है, आपकी चंद्र राशि जो भी होगी उसका जो भी ग्रह होगा उससे जुड़ी हुई एनर्जीज आपके मन पे असर करेंगी और वो एनर्जीज आपके ऊपर हमेशा हावी रहेंगी। आज ग्रहों की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की जो एनर्जी है एक मेल की एनर्जी है, पुरुष की एनर्जी है, वयस्क पुरुष की ऊर्जा है। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि एक मैच्योर आदमी है जो कि अपने बच्चों अपने घर का पूरा ध्यान रखता है, कैसे चीज़ों को करा जाए उस चीज़ का ध्यान रखता है, वो एनर्जी है। जब हम सूर्य की बात करेंगे तो वो एनर्जी एकदम हमारे सामने आ जाती है, एक ऐसा पुरुष खड़ा हुआ नजर आ जाता है, फिर उसके हिसाब से प्रेडिक्शन शुरू कर देते हैं। चंद्रमा, अब हम अगर चंद्रमा की बात करें तो आप सबको ही पता है कि वो माँ से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है। माँ की ममतामयी जो एनर्जी होती है ना, वो चंद्रमा की एनर्जी है। जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं उनके अंदर हमेशा ममतामयी माँ की एनर्जी रहती है, फीमेल एनर्जी है और साथ में माँ वाली। हर एक की केयर करना, हर एक के बारे में सोचना, सपोर्टिव रहना, प्रोटेक्टेड रहना, वो वाली एनर्जी है। मंगल होते हैं सेना, जो कि जवान है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत रहती है, जोश रहता है, मुझे ये भी करना है, जीतना है, लीडरशिप क्वालिटी है। तो ये पुरुष की ऊर्जा है और एक जवान पुरुष की ऊर्जा है। बुध की जब हम बात करें तो बुध तीन एज के जो बच्चे होते हैं उनसे जुड़ी हुई एनर्जी है। जब हम देखते हैं किसी का लग्नेश बुध है, बुध से जुड़ी हुई उसकी दशा चल रही होती है, तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से जुड़ा रहेगा, क्योंकि टीन एज में ज़्यादातर लोग शिक्षा ही ग्रहण करते हैं। ये एक टीनेजर की एनर्जी है जिसमें उसको सारी चीज़ें ढूंढनी है, वो हमेशा खुश रहता है, इंजॉय करता है, लाइफ को जीना चाहता है, कोई डर उसके मन में नहीं होता है, बहुत सारे सपने होते हैं और जीवन की सच्चाई उसको नहीं पता होता है। खेल कूद करना, नाचना गाना, इंजॉय करना, बाजा बजाना, मजे करना, हर एक के साथ मजाक मस्ती, ये वाली एनर्जी है बुध की। राहु की जब हम बात करें ना, राहु एक वृद्ध व्यक्ति है और साथ में हमारे पूर्वजों से भी जुड़ा हुआ है। जो एक वृद्ध बहुत ज़्यादा जीवन में देख चुका है, जान चुका है, क्योंकि हम राहु को किससे मानते हैं, वैज्ञानिकों से, खोजों से, इतना ज्ञान इतनी सिद्धियां आ जाती हैं एक उम्र में आके व्यक्ति को, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, वो है राहु। और जो हमारे पूर्वज हैं वो भी राहु से जुड़े हुए, वो एनर्जीज जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा समझ के सोच के गहराई से किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने वाले। जबकि राहु के बारे में तो सब कहेंगे कि ये कैसी एनर्जी है, वो तो एकदम हमेशा लगता है कि हमें कुछ भी बिगाड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाले होते हैं। अगर पंचम भाव में राहु आ जाता है, दिमाग वाली जगह पर राहु आ जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाला व्यक्ति बन जाता है, बहुत गहराई से हर चीज़ को करने वाला बन जाता है अगर कुंडली के पंचम भाव में राहु आ जाए। डिटेलिंग बिल्कुल भर देता है। ऐसी बातें वही करते हैं जो कि उम्र में घर में सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, उन लोगों की ये आदत होती है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना, डिटेल में समझना। केतु, जहाँ राहु जुड़ा हुआ है वृद्ध लोगों से और हमारे पूर्वजों से, केतु है बीज, एक शुरुआत, प्रेगनेंसी से लेकर के वो जो एक ऊर्जा होती है छोटे बच्चे की, जब वो माँ के पेट में होता है, उसके बाद जब वो बाहर आता है, छोटा बच्चा होता है, वो अपना लालन पालन खुद नहीं कर सकता, उसको कुछ भी खाना है माँ से पूछेगा, अभी छोटा बच्चा है, माँ ही उसको खाना खिलाएगी, पूछेगा भी क्या, वो रो देगा, माँ उसको खाना खिलाएगी, कुछ भी माँ कराएगी। जो छोटे बच्चे होते हैं दूसरों के आश्रित होते हैं, अपना काम खुद नहीं कर सकते, वो जुड़े हुए हैं केतु से। गुरु की जब हम बात करें तो गुरु भी एक पुरुष की ऊर्जा है और एक वयस्क की ऊर्जा है। जैसे कि हमारे टीचर्स होते हैं, एक मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, हमें समझाते हैं और एक ज्ञान की बातें बताते हैं जीवन को कैसे जीना चाहिए, और वही गुरु की ऊर्जा है, मेल की ऊर्जा, वयस्क की ऊर्जा। शनि ग्रह को हमेशा प्रौढ़ लोगों से जोड़ा जाता है, जो कि प्रौढ़ हो जाते हैं, ज़्यादा ही गहरी गहरी बातें करेंगे, बातें बनाएंगे, थोड़ा सा उनको कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी हो जाएगी, जब एक एज बढ़ती है तो फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, वो भी जुड़ी हुई है शनि से। जब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम थोड़े से धीरे हो गए हैं, स्लो हो गए हैं, वो वाली जो एज होती है वो आएगी शनि की एज। शुक्र की ऊर्जा एक स्त्री की ऊर्जा है जो कि प्रेमिका है,
प्रेयसी है, चंद्रमा माँ है और शुक्र है प्रेयसी, प्रेमिका की ऊर्जा हमेशा सजना सवरना घूमना गाने सुनना नाचना गाना, ये सब शुक्र की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। एक स्त्री जो कि हमेशा तैयार होना चाहती है, घूमना फिरना नाचना गाना चाहती है, ये है शुक्र की ऊर्जा जो कि एक जवान स्त्री की ऊर्जा है, जिसके दिल में हमेशा तरंगे रहती हैं, उमंगे रहती हैं, एक प्रेमिका वाली ऊर्जा। मुझे रोमांस करना है, नए नए कपड़े पहनने हैं, जेवर पहनने हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी है ज़िंदगी में, वो वाली ऊर्जा है शुक्र की। है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात, जब हम कुंडली देखते हैं ना तो उनकी ऊर्जा एकदम हमारे सामने आ जाती है और फिर उसके हिसाब से ही फलित किया जाता है। ओम नमः शिवाय, हर कर महादेव।